डिफेंस की कमजोरी की वजह से हारा गुजरात। दिल्ली की तरफ से नवीन एक्सप्रेस आसिफ मलिक, विजय का कमाल का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, वीवो प्रो कबड्डी 2022 का 98वां मुकाबला दबंग दिल्ली के एसी बनाम गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया। बेहद ही थ्रिलर हाई स्कोरिंग मुकाबले में दबंग दिल्ली की टीम ने गुजरात जायंट्स की टीम को 50-47 के अंतर से शिकस्त दे दिया। इस जीत के बाद दोस्तों दबंग दिल्ली की टीम वीवो प्रो कबड्डी पॉइंट टेबल के टॉप 5 में प्रवेश कर लिया है। वहीं गुजरात जायंट्स की टीम प्ले ऑफ में जाने की मुश्किलें बढ़ गई है। दोस्तों पहले हाफ में गुजरात जायंट्स की टीम ने धमाकेदार अंदाज से शुरुआत किया। पहले 10 मिनट तक 11-5 से आगे थे, फिर दबंग दिल्ली की टीम ने वापसी की। 12वें मिनट के अंदर गुजरात जायंट्स की टीम को ऑल आउट कर दिया और 1.15-14 से पीछे थे। दोस्तों इस तरह पहले हाफ तक दोनों टीमों ने बराबरी का खेल खेला और स्कोर 21-21 के बराबरी पर खत्म हुआ। दोस्तों दूसरे हाफ में दबंग दिल्ली की ओर से कप्तान नवीन कुमार, विजय मलिक और आसिफ मलिक ने दमदार खेल दिखाया। 10वें मिनट के अंदर गुजरात जायंट्स की टीम को ऑल आउट कर दिया। दिल्ली की टीम 41-29 से मजबूती के साथ गेम में पकड़ बना लिया था। इसके बाद दोस्तों प्रतीक दहिया, महेश गणेश राजपूत ने गुजरात जायंट्स की टीम को वापसी दिलाई और जब खेल का 3 मिनट से कम का समय बचा था, दबंग दिल्ली की टीम को ऑल आउट कर दिया और स्कोर 48-43 पर ला दिया था। इस तरह दिल्ली की ओर से आखिरी के कुछ मिनटों में विजय मलिक और प्रतीक दहिया 1-1 पॉइंट लेकर आ रहे थे। इस तरह यह हाई स्कोरिंग मुकाबला दबंग दिल्ली टीम ने 50-47 के अंतर से यह मुकाबला जीत लिया। दोस्तों इस मैच में दबंग दिल्ली की ओर से आसिफ मलिक ने सीजन का 5वां सुपर 10 लगाया, कुल 12 पॉइंट हासिल किए। वहीं नवीन कुमार ने सीजन का 12वां सुपर 10 लगाया और कुल 11 पॉइंट हासिल किए। वहीं विजय मलिक ने सुपर 10 लगाया और कुल 11 पॉइंट हासिल किए। वहीं गुजरात जायंट्स की तरफ से एकमात्र सफल रेडर प्रतीक दहिया रहे, जो सीजन का 6वां सुपर 10 लगाया और कुल 20 रेड पॉइंट टीम के लिए हासिल किए। दोस्तों वीवो प्रो कबड्डी 2022 से जुड़ी हाईलाइट्स, पॉइंट टेबल, लेटेस्ट पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।